एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में गुजारिश की है, मैं अर्ज किया था कि अगले 2-4-5 प्रोग्राम्स हम इस्लामिक हिस्ट्री या मुस्लिम हिस्ट्री पे ही करेंगे, तो इस हवाले से हमने अमूमी तौर पे जिस तरह से तारीख को तकसीम किया जाता है कुरूने उला, कुरूने वस्ता और जदीद दौर में, उसी हवाले से हम आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू इस्लामिक हिस्ट्री या मुस्लिम हिस्ट्री के अवलीन फेज यानी कुरूने उला पे है। कर्न आमतौर पे कौम, ग्रोह, माशरे या नस्ल के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम कुरूने उला कहते हैं तो उससे मुराद यही ली जाती है कि इस्लाम की इब्तदाई नस्लें या इब्तदाई लोग। दोस्तों, जब हम कहें अगर इस्लाम की तारीख, तो वो तो बनी नौ इंसान से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि हजरत आदम से ही इस्लाम की इब्तदा हो चुकी थी। लेकिन इस अंदाज में कि इस्लाम की जो पीरियड जिस तरह से हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मुसलमानों ने दुनिया की तारीख में, दुनिया के इल्म में क्या इजाफा किया, उससे क्या सीखा, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और इस हवाले से सर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या मुसलमानों ने तारीख और तारीख नवीसी की कोई नई रवायत डाली, या जो गुज़श्ता रवायात चल रही थी उन्हीं को कंटिन्यू किया, या उसमें मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन क्या था खसूसन अवलीन दौर में यानी कुरूने उला में। सर आपकी तरफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक। अगरचे लेट हो गया, लेकिन एक त्यौहार है मुसलमानों का जिसकी जड़ें भी तारीख तक नहीं, बहुत दूर तक जाती हैं। तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया। असल में वजह मैं आपको बताऊं कि तारीख है क्या। अगर तो तारीख वही है कि एक साइकिल का सिस्टम है, एक निज़ाम है, कोई इलाका बरसर इक्तदार आता है, उसको तरक्की मिलती है, वो हावी हो जाता है दूसरों पे, फिर उसका जवाल होता है, फिर एक नई ताकत उभरती है। तो इसको कहते हैं कि ये साइक्लिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री, यानी ये दौर चलता रहता है, कभी कोई ऊपर है, कभी कोई नीचे है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये व्यू कॉमन था मुसलमानों से पहले, जब मुसलमानों ने तारीख लिखना शुरू की है तो उससे पहले ये व्यू कॉमन था। मुसलमानों ने जब तारीख लिखी है तो सबसे ज्यादा जिस चीज से वो मुतासर हुए हैं वो कलामे पाक था। कलामे पाक का जो नजरिया है तारीख का, उससे उसमें उन्होंने दो चीजें इंट्रोड्यूस की। एक तो ये कि इब्तदा है तारीख की, एक वक्त है, खाप उसको कुन से शुरू करते हैं, जब अल्लाह ताला नक्काश अजल ने ये फरमाया कुन कि ये सब कुछ वजूद में आया, या उस वक्त से शुरू करते हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि मैं खलीफा बनाना चाहता हूं, या अगर आप साइंसी दौर में हैं और डार्विन की थ्योरी को समझते हैं तो सवाल ये है कि पानी और मिट्टी के इम्तजाज से जो भी मखलूक पैदा हुई उसका बाद में एवोल्यूशन हुआ, इंसान बना, तो कम अज कम ये बात तो मानेंगे कि मिट्टी और पानी तो मौजूद था, वो तो किसी ने क्रिएट किया था, उसके इम्तिजाज से लाइफ बनी। जिस नजरिए से भी आप बिलोंग करते हो, हमें इस वक्त उससे वास्ता नहीं है। तो ये जो है ना आइडिया कि देर इज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन हिस्ट्री, इट लीड्स लॉजिकली टू द नेक्स्ट आइडिया दैट देर विल बी अ कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि ये फिर एक लाइन है, यहां से शुरू हुई, यहां खत्म होगी, और वो इख्तिताम जो है दैट इज द एंड ऑफ हिस्ट्री रियल, वो नहीं है जो फुकुयामा का आइडिया था। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स है ये खत्म हो जाएगा, बल्कि इंसान अचीव कर लेगा हेगल की नजर में जो वो करना चाहता है या जो उसका क्रिएशन का मकसद था वो हासिल कर लेगा। ये दुनिया जन्नत बन जाएगी, कुछ जहन्नम बन जाएगी, उससे अगर आप निकल जाए तब भी एक अल्टीमेट फेज है तारीख की। ये नजरिया सबसे पहले मुसलमानों ने दिया दुनिया को कि तारीख
रिसाइकल नहीं करती, बार बार नहीं, वो ही दोहराती नहीं है अपने आप को। तारीख एक चल रही है एक धारे के साथ, हर धारा मुख्तलिफ है, जिसमें हर इंसान खुद जिम्मेदार है जो कुछ वो करता है। पहले ये भी था ना, कोई स्केप गोट ढूंढ लेते थे, कोई देवता, कोई खुदा, या जैसे आजकल हम भी समझते हैं कि कुर्बानी कर दें तो उससे ये हमारे गुनाह धुल जाएंगे, हज पे चले जाएं तो ये हो जाएगा, ये अकायदे हैं हमारे, लेकिन तारीख इनको नज्म नहीं रखती उस तरह से जिस तरह से हम समझते हैं। तारीख आपके कारनामों को, आपके अहवालों कवायफ को देखती है, परखती है, उसके आगे आपको नई फेज देती है। अब यहाँ पे सवाल एक जो उठता है बहुत अहम, हम अपनी तारीख कहाँ से शुरू करें? अगर हम अरबों से शुरू करें अपनी तारीख, उस दुनिया में जिसमें हजूर तशरीफ लाए, वहां से शुरू करें और समझने के लिए कि उन लोगों की आदात क्या थी, वो लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे, क्यों जरूरत थी एक पैगंबर की उनके लिए, क्या वो खुद बजाते खुद राह रास्त पे नहीं आ सकते थे। एक इब्न खलदून का नजरिया है कि होली प्रॉफिट वॉज अ लॉ गिवर, और लॉ गिवर वहीं दिए भेजे जाते हैं जहां पे लोगों को कोई सेंस ना हो कि कोई कानून कायदे की बात ना करना जानते हों, वहां पे नबी, वहां पे पैगंबर भेजे जाते हैं। इसके लिए हमें फिर इस खत्ते की, इस जजीरा नुमा की ना सिर्फ तारीख पढ़नी पड़ेगी, जोग्राफिया पढ़ना पड़ेगा, वहां क्या कुछ उगता था, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, तिजारत अगर थी तो किन किन ममालिक से थी, कौन कौन से लोग थे जो उसमें इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट का सिस्टम अगर ट्राइबल था तो ट्राइबल लीडर चूज किया जाता था या इनहेरिट करता था वो टाइटल अपने बाप के बाद। ये तमाम चीजें जब आप देखेंगे तो बाद में आने वाले कई ऐसे फेजेस आपको समझ आ जाएंगे। फिर तो हम चूंकि जज्बाती होके देखते हैं इस हिस्से को तारीख के, तो उसका नतीजा ये होता है कि हमारी नौजवान जनरेशन फिर समझ नहीं आती उसे। कि मैं एक मिसाल देता हूं छोटी सी आपको, कि जिन लोगों ने नबी के साथ वक्त गुजारा, अगर तो हम उनकी ताजीम करते हैं सहाबा होने की हैसियत से, तो वो तो एक अकीदत है कि हम समझते हैं जो थोड़ी देर नबी के पास बैठ गया, जिसने नबी की ज़ियारत कर ली ईमान की हालत में, उस जैसा खुशकिस्मत इंसान ही कोई नहीं था और हमारे लिए वो बाइस इज्जत है वो शख्स। कुरान है दूसरी तरफ, जिसके साथ हमारी खुशकिस्मती है ये मुसलमानों की कि उसकी कोई रद्दोबदल नहीं की गई, वो हमें एक और ही कहानी सुनाता है। कलाम पाक ने ना सिर्फ अहकाम बताए हैं, अगर आप कभी गौर से, ये तारीख के तालिब इल्मों से और टीचरों से मैं कहता हूं कि हैव यू एवर कंसिडर्ड कुरान एज अ सोर्स ऑफ अर्ली मुस्लिम हिस्ट्री? क्या हैव यू एवर कंसिडर्ड कुरान एज अ अर्ली सोर्स, अर्लीस्ट सोर्स ऑफ बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट? सहाबा की तारीख, कैसे ये मुसलमान हुए, कितने इनमें से सही मुसलमान थे, कितने मुनाफिक थे, कितने का ईमान कमजोर था, कितने महज इस्लाम की शान शौकत से मरूब होके मुसलमान हुए, ये तमाम चीजें कलाम पाक ने जिक्र की है। सूरह मुनाफिकून ऐसे ही नहीं, अल्लाह ताला ने रिवील कर दी। इस सबको समझने के लिए एक ऐसा पैमाना जरूरी है हमारे लिए होना, जिसमें हम फिर परखेंगे तारीख ने क्या कलमबंद किया है इनके बारे में। पहला सोर्स मेरे नजदीक ये है। दूसरा सोर्स है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि वहां की क्लाइमेट, वहां का जोग्राफिया, वहां की लैंड, वहां की तजारती रस्ते, उनका कंट्रोल किसका था, महसूल कौन वसूल करता था, टैक्स कौन लेता था, ये तमाम चीजें उससे पता चलेगा, लोगों की इनकम क्या थी, लोग उसको किस पे खर्च करते थे, एनिमल्स कौन कौन से होते थे उस वक्त अरब वर्ल्ड में, दरख्त कौन कौन से होते थे, ये तमाम चीजें जब आप जान जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों का लाइवलीहुड ये था
और इस तरह से ये तजारत करते थे, फिर आपको इनका लेन देन और दूसरे ममालिक से रवाबत भी समझ आ जाएंगे। ये पहली फेज होती है। दूसरी फेज है कि हमारे पास रिटन मटेरियल क्या है उस वक्त का। एक की तरफ तो मैंने इशारा किया, कलाम पाक है, इसको पढ़ें जरा आप, खास तौर पे वो आयात जिनमें कंटेम्परेरी टाइम्स पे कमेंट है, खा वो नबी की हुजवात हैं, बदर के बारे में है, उहद के बारे में है, खंदक के बारे में है, या और जो नबी ने गुस्वा किए उनके बारे में है। नबी की तड़प कि क्यों नहीं ये मुसलमान हो जाते, जिसको अल्लाह ताला ने 3-4 दफा एड्रेस किया है कलाम पाक में कि तेरा काम इन सिर्फ इनको बता देना है, तू अपना काम कर, बाकी जिसको अल्लाह चाहता है हिदायत देता है। उसके बाद उन लोगों का रवैया, तेरे पास आते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम ईमान ले आए हैं, तो आप उनसे फरमा दीजिए कि ईमान तो तुम्हारे करीब से नहीं होके गुजरा, हाँ तुमने इस्लाम जरूर कबूल कर लिया है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे ऑथेंटिक सोर्स हमारी अर्ली फेज का जो है वो कलाम पाक है। दूसरा सोर्स जो हमें रिटन फॉर्म में मिलता है वो है शुरू शुरू में खबर या अखबारी जिनको कहते थे, या मगाजी, यानी जंग हुई, एक गजवा हुआ, उसमें माल गनीमत हाथ आया, कितने लोग मारे गए, कितने शहीद हुए, कितनों को क्या क्या कुछ अदा किया गया, ये हजूर सब लिखवा लेते थे ताकि ये एक तरह से रिकॉर्ड रहे। एक मैं बात आपको जरूर यहां बताना चाहता हूं कि मक्का में खास तौर पे पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था, बल्कि उनको अच्छी नजर से नहीं देखा करते थे लोग। ये जैसे हमारे यहाँ नहीं होता कि वो ये काम, हाँ वो मुंशी के पास चले जाओ ना, वो लिख देगा, उसको पता है कौन सी जुबान होती है, क्या इस्तेमाल करना है। ऐसे ये अगर कभी जरूरत पड़ती थी तो ये लिखवा लेते थे, वरना सब कुछ जुबानी होता था, या इनके पास होते थे नैरेट करने वाले नैरेटर्स, जो हमारे यहाँ भी एक कौम है जिसके हम सपोर्ट करते हैं कि आप हमारे बुजुर्गों के कारनामे सुनाएं। ये तमाम चीजें हमें शायरी में भी मिलती हैं इनकी, और हमें तारीख में भी कहीं ना कहीं अहादीस की किताब में भी हमें मिलते हैं ये शेर व शायरी, जिसके जरिए से हम उस दौर के मुतल्लिक जान सकते हैं। तीसरी चीज जो हमें मिलती है वो है शुरू शुरू की रिपोर्ट, अहादीस जिनको हम कहते हैं, हदीसना, क्या हुआ था वाकया। ये असल में हैपनिंग से है लफ्ज, जो कि वाकया भी हो सकता है, जो कि आपकी नरेशन भी हो सकती है। इनके साथ हुआ ये कि शुरू शुरू में कुछ साहबा ने ये समझा, जो उस वक्त हुक्मरान भी थे, कि कहीं ये और कुरान एक साथ ना हो जाएं, कहीं लोग कंफ्यूज ना कर दें कि ये अल्लाह ने कहा है, ये नबी ने कहा है, तो इसको डिस्करेज किया गया। बल्कि बहुत सी ऐसे हमें मिलती हैं एविडेंस कि कई अहादीस के जखायर जो थे वो जाया हो गए इसी तरह, इसी खतरे से कि कहीं लोग ये इसको ये ना समझें कि ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत अबू हुरैरा की बड़ी मशहूर रिवायत है कि मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता, अगर मैं बताऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। कुछ बातें ऐसी थी यकीनन जो उस वक्त के लोग नहीं सुनना चाहते थे कि जो नबी कह गए थे, तो उनको या तो बहुत बाद में लोगों ने कलेक्ट किया, या वो सिरे से हमसे गायब हो गई, हमें मालूम नहीं हो सकी। तो ये जो इसलिए मुसलमानों में दो ग्रुप पैदा हो गए हदीस के बारे में। एक ग्रुप तो इतना हदीस के साथ चिमटा हुआ है, वो अपने आप को कहलाते ही अहले हदीस हैं। दूसरा वो जैसे परवेजी जो थे वो अहले कुरान कहलाने लगे, वो कहते थे कि ये सारी अहदीस जो हैं ये फैब्रिकेटेड हैं, इनमें कोई बात, दोनों गलत हैं। हदीस की अहमियत बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ हमें अपनी तारीख समझने के लिए,
अहकाम समझने के लिए जो मुसलमानों को कुरान ने इशारा किया, नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये कहीं कुरान में जिक्र नहीं है, कितनी रकतें होती हैं, कितने सजदे, कहां कहां, हम सिर्फ कलाम पाक में तो रुकू सजूद कयाम इनका जिक्र है, तरतीब क्या हो इनकी, कुछ नहीं है। इनके लिए अहदीस जरूरी है। एक और बात जो मैं बयान करना चाहता हूं वो ये है कि ये सबसे पहले रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी, ये एक मुसलमानों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स हिस्टोरियोग्राफी कि ये वाकया आपको कौन बयान कर रहा है, जिसको हम हमारे बाद में मुहद्दिसीन ने इस्मा और रिजाल के नाम से इसकी इन्वेस्टिगेशन की, ये शख्स जो वाकया सुना रहा है क्या ये वहां मौजूद था जब हुआ, इसने जिससे सुना है क्या वो शख्स एग्जिस्ट करता है। पहले तो वो ये देखते थे पहले मरहले में कि इन लोगों का वजूद साबित है, जहां तक ये पांच या छह जितने भी वास्तों से हम तक बात पहुंची है क्या वो हम साबित कर सकते हैं, पहला मरहला ये होता था। दूसरा मरहला होता था कि क्या ये रिलायबल हैं, क्या इनके जो दूसरे मामलात में उनमें झूठ तो नहीं बोलते थे ये लोग, एग्जैजरेट तो नहीं करते थे ये। तीसरी फिर बाज उलमा ने, बुखारी ने भी उसको कहा, वो ये थी कि एक ऐसा वाकया जो बहुत से साहबियों ने देखा होगा या सुना होगा, उसको अगर सिर्फ एक रावी बयान कर रहा है तो वो हम उसको काबिले एतबार नहीं समझेंगे, इसलिए कि जिसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे और हम तक सिर्फ एक सोर्स पहुंचा है। तो ये बहुत से इन्होंने जाब्ते बनाए और मेरा ख्याल है रिपोर्ट को टेस्ट करने का, अगरचे हमने नहीं किया, बदकिस्मती की ये बात है कि इन मुहद्दिसीन ने तो असूल और जवाबत हमें दे दिए, हमने इन पे अमल नहीं किया। हमें कोई भी कोई बात सुना दे, वो एक हमारे आलम थे वो सुना रहे थे कि जी वो एक हदीस उन्होंने सुनाई, तो मैंने कहा ये आपने कहाँ से ली है, तो उन्होंने कहा ये किताब से, किताब का क्या टाइटल है, मौजूआत शरीफ, यानी जो गलत अहादीस हैं वो एक किसी शख्स ने इकट्ठी कर मौजूद जो थी तो उसको भी वो शरीफ कह के कहने लगे कि उनमें ये दर्ज है। खैर इसमें बहुत सा काम हुआ है। अभी जो अल्लामा अल्बानी ने सही और गलत अहादीस इकट्ठी करके अलहदा अलहदा करके वो हमारे सामने रखा है जखीरा, इस पर मुसलमान काम करते रहेंगे, ये अहम है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते और ना ही इसकी अहमियत से आप कुछ कह सकते हैं कि इतनी नहीं, इसलिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। यकीनन इसमें एग्जैजरेटेड भी हैं, इसमें फैब्रिकेटेड भी हैं, इसमें ऐसी अहादीस भी हैं जिनमें दीन को सियासत के ताबे किया गया है, पाकीज़गी और बुजुर्गी दिखाने के लिए किसी की सियासत में देखा गया है कि उस शख्स का क्या मकाम था, उसके मुताबिक उसको बताया गया है कि ये कितने पाकीज़ा किरदार कहाँ मिलता, ये भी हमें मिलता है इसमें। सो बहुत से इसमें मसाइल हैं, उसमें फिर हम वो दरायत का इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल, अगर आप ऐसी कोई हदीस पढ़ रहे हैं जिसमें आपको नजर आ जाए तो उसके लिए भी लोगों ने फिर एक और तरीका किया है। और खुद हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर मेरी कोई बात मुझसे मंसूब की हुई कुरान की किसी बात से टकराती है तो उसको मत समझिए कि ये सही है, क्योंकि अल्लाह के कलाम में और मेरे कलाम में तफावत नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकती। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है और इनको समझना जरूरी है कि दिस इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, इसी सोर्स पे जब हम तबरी की तारीख देखते हैं, जो कि पहली तारीख हमें इस वक्त जो अवेलेबल हैं, जो गुम हो गई हैं उनके बारे में नहीं हम बात कर सकते, तो तबरी ने जो किया उसने भी नैरेटर साथ साथ दिए हैं, जिससे हमें पता चल जाता है उसने सब इकट्ठा कर दिया, कोई उसने इसकी छान पटक नहीं की कि कौन सी चीज मैं रखूं कौन सी छोड़ूं, एक एक, बल्कि उनकी जो तफसीर है
तबरी की, उसमें भी उन्होंने यही किया है कि किसी एक सूरा का जब वो तफसीर बयान करते हैं तो 8-10 जिन लोगों ने उस पर कुछ कहा है वो सब उन्होंने बयान कर दिए हैं। उसमें कहीं कहीं उन्होंने लिखा है कि मेरे नज़दीक ये ज्यादा सही है, लेकिन अपनी तारीख में उन्होंने इसका तذکرہ कहीं नहीं किया, एक ही वाक्य पे सब कुछ इकट्ठा कर दिया है। बाद वाले जो मुअर्रखीन हैं उन्होंने ये वतीरा नहीं अपनाया, उनकी कुछ और वजूहात होंगी या जो भी था, या उन्होंने समझा कि हम मैच्योर हो गए हैं इतने। लेकिन जहां तक सोर्सेज की बात है, हमें सबसे पहला सोर्स तारीख की इतबार से ये तबरी से मिलता है। उसके बाद खैर फिर बेशुमार लोगों ने बातें लिखी और कही गई, और फिर दूसरे भी लिखने वाले थे। ये कुछ लोगों ने, ये पेट्रिशिया और क्रोम ने ये किताब लिखी थी हैगरिज्म, उसमें अगरचे ज्यादा एग्जेजरेटेड और उसमें भी फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या है कि हजूर के दौर का या उनके फौरन बाद का जो साहबा का कंटेम्प्रेरी पीरियड है, उसमें उन्होंने नॉन मुस्लिम सोर्सेज को इकट्ठा करके इस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है कि वो क्या समझते थे कि ये मुसलमान कौन है और कैसे हैं। तो ये मुख्तलिफ डॉक्टर साहब जराए हैं हमारे पास इस पीरियड को समझने के लिए, और इसमें मैं फिर भी कहूंगा सबसे ज्यादा रिलायबल अल्लाह का कलाम है, क्योंकि उसमें रद्दोबदल ना हो सकी है ना ही होगी, कि अगर किसी ने की भी होती तो लोग चूंकि उसको मेमोराइज कर लेते हैं तो वो फौरन बता देते कि नहीं ये कुरान की बात नहीं है या आपने इसको छुपा दिया है। तो उसमें एक जो अहद है जिसमें हमारे नबी रहे हैं उसकी जो खूबसूरत अक्कासी होती है, वो अगर हमें समझ आ जाए तो फिर हमें ये सब पता चल जाएगा कि बाद में जो कुछ हुआ है वो उनके अवामिल क्या थे, क्या वो कबाइली बरतरी, कबाइली फख्र व मुबाहात थी, इकोनॉमिक गेन्स थे, बदला था, क्योंकि बदले का कॉन्सेप्ट अरबों में बहुत सख्त था, यानी रिवेंज लेना। कुछ जिनके बुजुर्ग अबाओ अजदाद मारे गए थे फिर उन्होंने बदला लिया, अगर वो मौजूद नहीं थे जिन्होंने किया था तो उनकी औलाद से बदला लिया। ये तमाम चीजें हमें अरबों के कल्चर में नजर आती हैं। तो इनको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको खाना जंगियां और ये तमाम चीजें समझ आ जाएंगी। एक बात की तरफ मैं इशारा करना और जरूरी समझता हूं, वो ये है कि हमने जो हजूर के फौरन बाद का पीरियड है, ये तकरीबन बनते हैं 29 ईयर्स, इसको हम आज खिलाफते राशिदा कहते हैं। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये नाम इसको कब मिला, क्या उसी वक्त मिला? नहीं, पूरे अमवी दौर में हमें कहीं तस्करा नहीं मिलता कि ये खिलाफते राशिदा उस कहते थे, क्योंकि अगर ये कहते होते तो अली इब्ने अबी तालिब पे कभी इसे बोशतम ना करते, क्योंकि अगर उसको समझते कि वो खलीफा राशिद थे, और अगर कुछ भी ना समझते तो फिर जो कुछ उसके बारे में इनके मेंबरों से कहा जाता था अमवियों के, वो ना होता। वो चूंकि हुआ तो उससे ये जाहिर होता है कि उस वक्त ये तसव्वुर नहीं था उन लोगों में, ये अब्बासी दौर में बाद में हुआ है कि पहले जो चार खुलाफा थे हजूर के बाद, इसमें कुछ 6 महीने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भी बाज लोग शामिल करते हैं एक हदीस की रोशनी में, और उसके बाद जो है वो मलूकियत है। अब मैं यहां रुक के आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल नहीं, ये एक एक तरह की इनविटेशन है आप लोगों की तहकीक के लिए। हम जब मुगलिया सल्तनत के जवाल के असबाब पढ़ाते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? क्या हम फौरी असबाब देखते हैं या थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं? किसी भी,
ये जो गिबन की किताब थी द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, उसने कहाँ से शुरू किया उसको? आप जब भी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको आप बताते हैं कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूछेगा क्या हुआ, कब से हुआ? वी ट्रेस बैक, ये हमारा सिस्टम है, एक ऐसे बनता है कि वी ट्रेस बैक। जब हम खिलाफत को मलूकियत में तब्दील होता देखते हैं तो उसकी कॉजेज कहां तक तलाश करेंगे हम? क्या उसकी कॉजेज हमें वहीं महदूद रखनी चाहिए या इनके ट्राइबल सिस्टम में जाना चाहिए पीछे, या इकोनॉमिक गेन्स में जाना चाहिए कहां? ये मैं आपको दावते तहकीक दे रहा हूं कि अगर ये सवाल आपने पूछना है और अपनी नई जनरेशन को बताना है कि नबी के बाद ये चार खुलाफा जो थे, इन्होंने इतना ये अच्छा निजाम कायम किया, लेकिन बदकिस्मती से ये मलूकियत में तब्दील हो गया, जिसमें बाप के बाद उसका बेटा या उसका कोई भतीजा या कोई चचा, जिस तरह से भी नज़म रहा ये, और ये चलता रहा सिलसिला, जहां कहीं भी मुसलमान हुकूमतें रहीं, वो दामाद अक्सर, जैसे खानदान गुलामा को हम कहते हैं, तो इनमें से अक्सर अपने हुक्मरानों के, अपने मालिकों के दामाद थे, गुलाम अच्छे थे, तो मालिक ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी कर दी, उसके बाद उन्होंने, तो कोई ताल्लुक बनता है, कोई रिश्तेदारी बनती है। ये मौरूसियत जो है हमारी सियासत में, ये कहां से आई? इसके अगर आप असबाब तलाश करेंगे बिल्कुल इमोशंस के बगैर, तारीख की हकायक की रोशनी में, तो फिर आपको समझ आ जाएगी आपकी अगली हिस्ट्री भी और आपकी बाद की तारीख भी। अगर आप सिर्फ चंद एक शख्सियात को देख के कहेंगे कि नहीं ये उन्होंने किया, बाकी तो सब कुछ ठीक था, तो फिर सवाल उठेगा कि ये ऐसी सडनली कैसे चेंज हो जाती है। तो फिर हम तारीख की पूरी जो ये सिलसिला है, जिसमें एनालिसिस करते हैं, जिसमें कॉजेज देखते हैं, वो सब हमें रिवाइज करनी पड़ेंगे। तो हम मुसलमानों की तारीख समझने के लिए, ये मैं समझता हूं, ये जो पहले 30 साल हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। और आप हैरान होंगे कि जब हम इनको समझ जाएंगे तो हमें पता चलेगा, कितनी चीजों का पता चलेगा जो बाद में हुई, जो एक क्वेश्चन मार्क अक्सर करती हैं, वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहेंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो और अगर आप, अब कोई सवाल है या आगे चलें, या क्या आप समझते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। जी 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 सर, कुछ सवालात भी कमेंट्स में आ रहे हैं, जी तो कोई सवाल ले लेते हैं। ये इसमें सर, मैं जो इंतखाब करके बैठा हूँ सर, कुछ तो बहुत सारे कमेंट्स हैं सर, थैंक्स और एप्रिसिएशन के, जी और जो सवालात हैं इनमें मरियम आजम साहबा का सवाल है कि सर, इफ वी स्टार्ट द हिस्ट्री फ्रॉम अरेबिया, देन व्हाट वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन यूरोप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक्चुअली तो सर हमने ये शुरू में ये बात की थी, यूरोप को बल्कि बाकी सारी दुनिया में उस वक्त तारीख में कौन से रुझान चल रहे थे, क्या चल रहा था सर, इस पे जरा देखिए ना, कहो इनके सवाल के दो पहलू हैं। सर। एक पहलू तो ये है कि अगर ये कहती हैं कि उस वक्त इंटेलेक्चुअल ट्रेंड क्या था इन हिस्टोरियोग्राफी, तो वो कई दुनिया के खित्तों में हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जिसमें एशिया सरे फहरिस्त है। जी बिल्कुल इंडिया के सिस्टम में तारीख का कोई तसव्वुर नहीं था, इसी तरह बुद्धिस्ट में भी तारीख का कोई तसव्वुर नहीं था। हैरत होगी आपको ये जान के कि तारीख का तसव्वुर उस वक्त सिर्फ मुसलमानों में था कि जो हुआ हो चुका है पहले, उसका नतीजा है ये जो अब हो रहा है, और जो अब हम कर रहे हैं इसका नतीजा होगा जो मुस्तकबिल में होगा।
ये हाल जो ब्रिज बनता है ना बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ये मुसलमानों की देन है। ये आप जो इस वक्त कर रहे हैं इसके देखिए कहां तक मिलते हैं इसके ताल्लुक, इसका ताल्लुक माजी से भी है और इसका ताल्लुक आगे से भी होगा। ये जो कंटिन्यूटी है ना हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट, ये आपको कहीं नहीं नजर आएगा। यूरोप में भी नहीं था, ये बहुत बाद में आया है यूरोप में। ये सिर्फ एक किताब जिसका मेरे एक स्टूडेंट ने भी कहा कि डॉक्टर साहब जब हमें लेक्चर देते थे तो सेंट ऑगस्टीन से शुरू करते थे, सिटी ऑफ गॉड से, वो ठीक है उसने ये बताया है, लेकिन उसने भी दो फोर्सेस का जिक्र किया है, एक सिटी ऑफ मैन है एक सिटी ऑफ गॉड है, ईवल और गुडनेस का क्लैश बताया है उसने। ये तसव्वुर देना कि तारीख कितनी मिलती है, एक दूसरे से वाकयात कैसे मिलते हैं, ये आइडिया, ये तसव्वुर देना जो है ये मुस्लिम हिस्टोरियोग्राफर्स का कमाल था। और आज तक ये हम अगरचे अब इस पर इतना अमल नहीं करते, ना हमारे मुवर्रख ना हमारे पढ़ने वाले ना पढ़ाने वाले, लेकिन ये फैक्ट है आज जो हम हैं वो इस वजह से हैं कि जो हमने पहले किया है और जो हम कल होंगे वो इस वजह से होंगे जो हम आज कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, जी मेरा ख्याल मैंने जवाब दे दिया। अच्छा हाँ, मैं पूरा कर दूं उनका। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यूरोप में उस वक्त सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे क्या हो रहा था, तो हमें इनकी पुरानी जो रिवायात हैं, कुछ तारीखें, उनमें तस्करा मिलता है। तो वो कोई इतना ग्लोरीफाइड नहीं है, वो कोई इतनी ऐसी नहीं है जिस पे ये रश कर सकें, बल्कि बहुत डार्क एजेस, यानी डार्क कॉन्टिनेंट अगर उस वक्त कोई था तो अफ्रीका नहीं था, उस वक्त यूरोप था डार्क कॉन्टिनेंट, और यूनाइटेड स्टेट्स और ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में तो अपना उनका एक सिस्टम था, वहाँ के लोकल लोग थे यूरोपियंस आने से पहले, जिनकी हमें आसार मिलते हैं, उनके कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स में मिलते हैं। तो दुनिया की तारीख में अगर आप गौर करें तो एक जो पॉइंट है ना, जो डिमार्केशन पॉइंट के तौर पे काम आता है, वो है बिफोर इस्लाम एंड आफ्टर इस्लाम। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान हूँ या मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिसने ये पॉइंट, नहीं, ये हिस्टोरियोग्राफी का एक बिल्कुल तयशुदा है बात कि थॉट में जब एक आप तब्दीली लाते हैं, सोच में एक तब्दीली लाते हैं, तो वो एक पॉइंट ऑफ डिमार्केशन बनता है। तो हमारा जो तारीख का जो तसव्वुर है आलमी तारीख का, वो ये है कि इस्लाम से पहले, हमारे हजूर से पहले तारीख के मुतालिक सोच क्या थी, तारीख लिखी कैसे जाती थी, उससे सबक क्या हासिल किया जाता था, और उनके बाद क्या हुआ। तो ये जो राबता मैंने अर्ज किया है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमने दिया है। कल को आपसे पूछा जाएगा, अगर आप मजहबी तौर पे भी ले लें, कि आपने क्या क्या किया था अपनी दुनियावी जिंदगी में, इसका मतलब है मुस्तकबिल को हम रकम कर रहे हैं आज बैठ के, इस वक्त जो कर रहे हैं। तो ये जो तीनों टाइम्स में जो एक बहुत कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप है, ये हमारी देन है, हमारी से मेरी मुराद नहीं है अपनी, बल्कि हमारे जो मुस्लिम मुवर्रखीन थे उनकी। बहुत नवाजिश सर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तेजी से, हर वक्त की कमी की वजह से। ये असद बिलाल साहब का क्वेश्चन है सर, कहते हैं कि Saudi prince said that most of the irrelevant hadith will be removed from the books or literature. What historical impact will it make? अच्छा सर, ये हदीस के छान बीन का सिलसिला तो कई दफा हुआ, यानी इब्ने तैमिया का बड़ा काम है उस पर और बाद में भी, तो इसमें
नेचुरली जरा उन सब को भी ब्रीफली सर रिव्यू कीजिएगा और इस वक्त क्या इस स्टेप की जरूरत है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर मुस्लिम यूनिटी पे ब्रदरहुड पे मुस्लिम जो एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम ट्रेडिशन है उस पे सर प्लीज। देखिए जब भी सियासत मजहब को डोमिनेट करती है तो मजहब की शक्ल बिगड़ती है। जब भी आप सियासत की ऐनक लगा के अपनी हदीस की किताबों को अपने तारीखी वाकयात को देखेंगे तो वो उनकी वो बात नहीं रहेगी, वो इनफरादियत नहीं रहेगी जो अगर आप बिल्कुल प्योरली दीन की ऐनक से देखें। अब मुझे आप बताएं कि मुसलमानों ने इस पर बहुत काम किया है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया उस पर एक अलग हम लेक्चर दे सकते हैं कि ये जो सहाबियों पे किताबें लिखी हैं और जो बुखारी और मुस्लिम की शरहें लिखी हैं, तिर्मिज़ी की शरहें लिखी हैं, जो फिर जाफरिया स्कूल की जो अहादीस इकट्ठी की गई हैं जिन लोगों ने उन पे जो फिर रिव्यू किया गया, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन किया क्या है, मुसलमानों ने जो गलत अहादीस थी उनको भी निकाला नहीं है, इशारा कर दिया है कि ये रिवायत गलत है, ये ज़ईफ़ है, ये मोतबर नहीं है। तो अगर ये एक सियासतदान चाहता है कि हम उन इररेलेवेंट, पहले तो ये डिसाइड कौन करेगा कि ये हदीस रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, जो डिसाइड करेगा वो किसी मजहबी किताब को देख के तो नहीं करेगा, वो इनसे पूछेगा ना सऊदी प्रिंट से कि जी हाँ ये करें। तो मेरे नज़दीक ये गलत बात है, लेकिन चूंकि किताबें मौजूद हैं, सिर्फ सऊदी अरेबिया ही तो नहीं छापता इनको, दुनिया में और भी जगह हैं, और अगर कहीं पूरे मुसलमानों ने भी इनको तब्दील कर दिया तो कम से कम यूरोपियन लाइब्रेरीज में ये महफूज हैं और रहेंगी, तो उनमें आपको मिल जाएगा और जो लिखने वाले हैं तहकीक करने वाले हैं उनको ये मिल जाएगी। ऐसी हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए हमारे सियासतदानों को, अगर हम अपनी सियासत ही बेहतर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ों में हम उलझें जिनको हमें समझ नहीं है हमारे सियासतदानों को इन चीज़ों की। बहुत नॉलेज सर। आगे सर तेजी से बढ़ते हुए फुरकान अहमद साहब का एक क्वेश्चन है सर कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट यू हैव कनेक्टेड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट विद कुरान अदर देन द होली बुक वी रेफर टू हदीस एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड यू हैव राइटली एक्सप्लेन अबाउट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्सेज देन व्हाई ऑन अर्थ वी आर स्टिल डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। हाँ बड़ा अच्छा सवाल है ये, वो हम डिवाइडेड हैं हिस्ट्री की वजह से नहीं, जज्बात की वजह से। हम जब जज्बाती हो जाते हैं तो उस वक्त हम इंस्टीट्यूशन से ज्यादा अपने जज्बात को अहमियत देते हैं, ये आपने कभी गौर किया होगा, बहुत ये हम अपनी जिंदगी में अक्सर करते हैं। हमें किसी से अकीदत है मोहब्बत है तो हम उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते, ये इंसान की फितरत है। उस फितरत को हम अपने तारीख के बयान में ले आते हैं, इसलिए हम डिवाइड हो जाते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अरे देखिए ये बुखारी में लिखा है, नहीं जी मैं नहीं मानता, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं फिर। तो हमारी जो डिवीजन है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, इट इज बिकॉज ऑफ आर इमोशंस आर इन्वॉल्वमेंट आर अटैचमेंट टू सर्टन पर्सनैलिटीज इन हिस्ट्री। बाकी तो दूर की बात आप छोड़िए, कोई शख्स अगर आपको ये बता दे कि सलाहुद्दीन अयूबी ने ये भी किया है काम, तो आप कहेंगे कि वो तो इतना बड़ा आदमी था उसके बारे में क्यों कह रहे हैं, महमूद गजनवी ने ये भी, अजीज कैसी बात कर रहे हैं आप, औरंगजेब ने ये हरकतें भी की हैं, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फिर आपके एक इमेज जो होता है, एक व्यू आपका बन जाता है कि ये शख्स जो है इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। तो ये है असल बात, तारीख का काम ही ये है कि ये वो आराम से निकाल देती है जज्बात का कांटा बीच में से कि लो अब फेस करो इसको, ये हुआ है, करो बयान इसको। उस वक्त या तो फिर आप आंखें बंद कर लेते हैं, किताब बंद कर देते हैं,
और या वापस कोई वजीफा, कोई दुआ, कोई दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो तारीख को तारीख रखिए। हाँ, आप कहिए कि दुख हुआ मुझे ये पढ़ के, मैं उम्मीद नहीं करता था कि ये लोग ऐसे होंगे, लेकिन इंसान थे। और मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे बड़ी हिदायत जो है ना, कभी कभी मैं सोचता हूं कि कलामे पाक ने ये बातें हमें क्यों बताई हैं। एक ऐसी किताब जो हिदायत है, शुरू का देखे ना, वो जो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फी हुदल्लिल मुत्तकीन, यानी ये मुत्तकियों के लिए जो ऑलरेडी इस स्टेज पे पहुंचे हैं, उसमें ये वाकयात बयान किए जाते हैं कि उसकी उस पैगंबर की बीवी ने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी उन्होंने ये किया। ए नबी, ये जो तुम्हारे पास बैठे हैं ये तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, ये वहां जाएंगे तो ये करेंगे। क्यों क्यों बताया ये? सिर्फ हमें झंझोड़ने के लिए कि कोई वक्त ऐसा आएगा जब तुम अकीदत और जज्बात में इतना डूब जाओगे कि ये हकायक से तुम पर्दापोशी करोगे। क्या कुरान की आयात भी फिर आप निकाल देंगे रेलेवेंट समझ के? ये नहीं, ये नहीं आप कर सकते। तो तारीख हावी है आप पे, इसको हावी रखेंगे तो हम डिवाइड कभी नहीं होंगे। इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ढालेंगे तो फिर तो आप हर एक शख्स की तारीख अलहदा हो। जी सर, बिल्कुल, हमें तकदीस की ऐनक उतार के चीजों को देखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक सर, गैर जानबदाराना तौर पे। अगले सर, मैं दो सवाल जरा इकट्ठे करता हूँ। एक है मैडम निगार सजाद जहीर साहब का, और इनके साथ ही साजिद खान गोरी साहब का भी है जी। दोनों डॉक्टर साहबान है। सर मैडम निगार का है, व्हाट वाज द मुस्लिम हिस्टोरियंस एटीट्यूड टुवर्ड्स इसराइलियात। अच्छा, और साथ ही डॉक्टर साजिद खान गोरी साहब का है, हाउ प्रोफेशनलिज्म इन हिस्ट्री कैन डिक्रीज द सेक्टेरियन मुस्लिम हिस्ट्रीज डिफरेंसेस अमंगस्ट मुस्लिम्स। हाँ, दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। सबसे पहले मैं इसराइलियात का आपको बताऊं कि अगर इससे मुराद वो बुक्स हैं, वो लिटरेचर है जो यहूदियों ने लिखा था, तो उसको तो मुसलमानों ने बहुत इस्तेमाल किया है। और अगर आप ये जितनी तारीखें देखेंगे जिनमें अर्ली हिस्ट्री है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत सुलेमान, हज़रत ये जितने भी आए हैं बड़े बड़े पैगंबर, इन सब का तस्करा कहाँ से लिया है मुसलमानों ने? कलाम पाक में तो सब कुछ नहीं था, अहादीस में भी नहीं था, ये ज्यूइश लिटरेचर से लिया है। क्योंकि उस वक्त के मुसलमान पढ़ते थे, हर चीज़ पढ़ते थे, और यहूदियों में ये थी कि जिस इलाके में रहते थे उस इलाके की जुबानों में अपना लिटरेचर जो था वो ट्रांसलेट करते थे। तो हिब्रू से ट्रांसलेशन अरबी में हो चुके थे, और फिर एक फेज जिसमें ये इकट्ठे रहे हैं, एक दूसरे के करीब रहे हैं बहुत, वो स्पेन में था इनका वजूद। तो उसमें बहुत से लिखने वाले जो थे इसराइली, वो अरबों से बहुत मुतासर हुए, और उन्होंने ना सिर्फ अपने दीन में बल्कि अपने अदब में इम्पैक्ट शो किया है अरब फलसफे का, अरब लिटरेचर का। इसी तरह ईरान के साथ जब इनके ताल्लुकात अच्छे थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इस्लाम से भी पहले के, तो इन्होंने अपनी मुकद्दस किताबों में भी कई ईरानी बादशाहों के लिए दुआएं की हैं, लिखी हैं। तो इसराइलियात जिस नज़रिए से आज हम देखते हैं ना, बिकॉज ऑफ द कंट्री विद द सेम नेम, उस वक्त मुसलमान नहीं देखते थे। उस वक्त मुसलमान इनको अहले किताब समझते और इनके लिटरेचर को एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री इस्तेमाल करते थे। ये तो आपका एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब, यकीनन अगर आप प्रोफेशनलिज्म प्रमोट करेंगे हिस्ट्री का, प्रोफेशनलिज्म, तारीख ये कहती है जी मैं मुसलमान हूं, मैं शिया हूं, सुन्नी हूं, देवबंदी हूं, वहाबी जो भी हूं,
वो अलग बात है, लेकिन तारीख ये कह रही है। तो उस वक्त जब ये दिन आ जाएगा ना, उस दिन आप देखेंगे कि ये हमारे आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो सेक्टेरियन डिफरेंसेस हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। ये क्रिएट किए गए हैं और इनकी बुनियाद इमोशनलिज्म है, जिसका मैंने पहले अर्ज किया कि ये मसलन अगर कोई शख्स किसी साहबी को क्रिटिसाइज करता है तो कहेंगे अरे ये तो गुस्ताखी है, ये तो बहुत बुरी बात है, ये आप कैसे, जुर्त आपने कैसे कर दी। तो तारीख में क्या करेंगे आप, वो चैप्टर निकाल देंगे जो तबरी ने, इब्न खलदून ने, मसूदी ने, बलाजरी ने, इन लोगों ने लिखा है, वो क्या करेंगे। तो कुरान से भी निकाल दें कि नबी जब वो उहद का जिक्र है तो नबी कह रहा है, बुला रहा है तुमको और तुम भागे जा रहे थे, उसको भी निकाल दें फिर। नहीं, प्रोफेशनलिज्म लाएं आप। ये तारीख जनाब ये कहती है, बाकी फिर आप देखेंगे कि लोग कहेंगे कि यार चलो इसी को तराजू बनाते हैं। मुवर्रखीन ने किसी का लिहाज नहीं किया, यहां तक कि जो उनको गलत रिपोर्ट्स मिली हैं वो भी उन्होंने दर्ज कर दी हैं, साथ लिख दिया है कि मेरे नजदीक ये गलत है लेकिन कही गई है ये बात। तो उनकी ऑनेस्टी आप देखिए, उन पे भी प्रेशर थे उस वक्त के सियासी मुहद्दिसीन पे भी प्रेशर थे। कई मुहद्दिसीन ने कुछ नाम नहीं दर्ज किए इसलिए कि उन नामों का लेना उस वक्त सियासी तौर पे बुरा समझा जाता था। तो उन्होंने फलां शख्स इस तरह से नाम दे दिए हैं, उन जलीलुल कद्र हस्तियों के नाम नहीं लिखे जो अमवी दौर में जिनका नाम लेना एक तरह से जुर्म समझा जाता था, लेकिन बता दिया उन्होंने। तो आप जब भी सियासत के या जज्बात के ताबे करेंगे तारीख को, डिविजन होगी, सेक्टेरियनिज्म होगा। मैं एक और अर्ज करना चाहूंगा आपसे, अगर हम आलमी तारीख को देखेंगे तो आप देखेंगे इंसानियत कितनी करीब आ जाती है। ये जो नेशनलिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री है ना, ठीक है, होना चाहिए, हम सबको अपना घर अजीज होता है, लेकिन क्या दूसरों को अपना घर अजीज नहीं होता? अगर हमें अपना घर अजीज है तो दूसरों को भी अजीज है, हमें अपने मुल्क से प्यार है तो दूसरों को भी अपने मुल्क से प्यार है। तो ये अगर हम अप्लाई करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे तो देखेंगे कि ना सिर्फ ये कि मुसलमानों का आपस में सेक्टेरियनिज्म जो है वो खत्म होगा, बल्कि एक इंसान एक दूसरे के करीब आएंगे, ये बताती है हिस्ट्री। तो इसलिए एक किताब आ रही, बड़ी पुरानी किताब है, वाई आर रूलर्स अफ्रेड ऑफ हिस्ट्री, वो इसलिए ही है दे आर अफ्रेड ऑफ हिस्ट्री के इट नॉक्स द डोर्स दैट यू डोंट वांट टू ओपन। दैट्स ग्रेट सर। एक्चुअली सर हमारे पास जो वर्ड काउंट आ रहा है उसमें 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर, मतलब आप इकट्ठे कर ले या करें ना सारे, एक सेशन कर लेंगे सिर्फ सवालों पे, एक ये ज्यादा अहम है, मैं आपको बताऊं, देन माय मोनोलॉग। जी 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 बिल्कुल सही। अगला सेशन सर हम देखेंगे, अगर कुछ सवालात अनएड्रेस्ड रह गए इसमें तो अगला सेशन सर हम सवालात से ही शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। इस वक्त मैं अपने दो बड़े खूबसूरत सीनियर्स के क्वेश्चंस लेता हूं सर जी। के एक ये फरीद अफरीदी साहब का है कि मुस्लिम्स डिफरेंशिएट बिटवीन हदीस एंड कुरान आयात एज मेथड फॉर सेपरेशन आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा है डॉक्टर काजी सुल्तान महमूद साहब का सर कि हाउ डू यू सी द बुक खिलाफत व मुल्कियत एज अ सोर्स ऑफ अर्ली मुस्लिम हिस्ट्री। जी सर। जी मैं पहले इसका सवाल का जवाब देता हूं जो डॉक्टर काजी साहब ने कहा है। हाँ, बहुत देर हुई मैंने पढ़ी थी ये किताब, मैं उस वक्त स्टूडेंट था एक्चुअली व्हेन दिस बुक केम आउट। तो ये मौलाना मौदूदी ने
तारीख के हवालों के से लिखी है किताब, इस पे एतराज़ हुआ बहुत से लोगों को कि उन्होंने हदीसों से क्यों नहीं ये लिया। तो बाद में पता चला कि अगर आप हदीसों की रूह से भी इस किताब को समझेंगे तो मालूम होगा कि इसमें भी सदाकत है किताब में। इसमें इन्होंने एवोल्यूशन बताया है कि ये खिलाफत मलूकियत में कैसे तब्दील होना शुरू हुई। तो ये एक एवोल्यूशनरी पॉइंट था जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है, तो मैं इसको अच्छा सोर्स समझता हूँ, अगरचे मुझे भी इख्तलाफात हैं इनकी कुछ चीज़ों से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कोशिश थी उनकी। और ये पढ़ी जानी चाहिए, ये किताब पढ़नी चाहिए बच्चों को, यंग लोगों को। अच्छा, अब एक और सवाल था, वो आप रिपीट करेंगे डॉक्टर साहब? जी जी सर, मैं जी तो कि ये मुस्लिम्स डिफरेंशिएट बिटवीन हदीस एंड कुरान आयात एज अ मेथड फॉर सेपरेशन, कि उसी में तो सर डिवाइड हो गए मुसलमान के। जी, वो डिवीजन क्यों हुई सर? जब नबी ने हमें बता दिया कि अगर मेरी कोई हदीस किसी कुरान की आयत के खिलाफ जाती है तो उसको एक्सेप्ट ना करो। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, यहां मुझे बुलाया गया था इसी तरह की गुफ्तगू करने के लिए एक जर्मन यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उनको एक मिसाल दी थी कि कलामे पाक की आयात क्या बताती हैं कि अगर किसी शख्स को आप बगैर किसी वजह के कत्ल कर दें तो उसकी सजा क्या है, जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए, ये कुरान कहता है। अच्छा, हमारे बहुत बड़े एक गुजरे हैं इमाम, उनको कहते हैं गजाली, उन्होंने अपनी किताब अहियाए उलूमुद्दीन में एक हदीस बयान की है कि एक शख्स जिसने बहुत कत्ल किए थे, तो वो कोशिश करता है कि मैं अब तौबा तायब हो जाऊं और मैं जाऊं जाके और किसी को, किसी के सामने कन्फेशन करूं और कहूं कि जी आइंदा मैंने किसी को नहीं मारना। तो वो जाता है एक बंदे के पास, तो वो कहता है कि तूने ये जो ऐसी ऐसी हरकतें की हैं इनका कैसे जवाब देगा अल्लाह को? तो इसको गुस्सा आता है, इसको ये उसे भी मार देता है, 100 हो गए पूरे, 100 मार दिए उसने बंदे। अब ये समझता है कि एक और बुजुर्ग हैं जिनके पास मैं अगर चला जाऊं तो शायद मेरी शफात हो जाए, लेकिन जा रहे थे रस्ते में तो ही डाइड। अब सुनो पूरी हदीस, अल्लामिया क्या कहता है? अल्लामिया कहता है कि जाओ भाई देखो, दो फरिश्तों को भेजता है। एक फरिश्ता कहता है कि ऐसे आदमी को जहन्नम में जाना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं जन्नत में जाना चाहिए। डिसाइड क्या होता है? डिसाइड ये होता है कि जी वो फासले की पैमाइश कर लो, अगर तो ज्यादा फासला ये तय कर रहा था टूवर्ड्स बेटरमेंट तो जन्नत में जाएगा, अगर कम फासला कर रहा था तो फिर जहन्नम में जाएगा। तो आगे नहीं मैं बताऊंगा इस में जो हदीस का मतन है, मैं यहां रुक के मैंने पूछा, मैंने कहा तो बड़ा सिंपल है फॉर्मूला, मैं एक लिस्ट बना लेता हूं कि ये 10 या 12 या 25 या 30 लोग हैं जिनको मैंने कत्ल करना है, इनसे फारिग होके उसके बाद मैं तौबा करके मुसल्ले पे बैठ जाता हूं, क्या मैं समझता हूं मेरी निजात हो जाएगी, मेरी बख्शिश हो जाएगी? ये तराजू उठाइए कलामे पाक की, ये किताब है जो नबियों से भी नरमी नहीं बरतती। क्या बात करते हैं आप लोग? कुरान जो है ना, उसने तो क्लियरली कहा है कि इंसान जिसको उसने क्रिएट किया है, जो भी उसकी जिंदगी है, जितनी भी जिंदगी है, मुझे कोई हक नहीं है उसकी जिंदगी लेने का, अनलेस वो कोई ऐसी बात करे जिसके बदले में उसको ये सजा दी जाए। ये जब हम ये चीजें तय कर लेंगे, और वो तमाम अहादीस जो इस तरह की हैं जो इंसान के गुनाहों को, और खास तौर पे ऐसे गुनाहों को जिससे मिल्लत बर्बाद होती है, जिससे उम्मत तबाह होती है, उनको
वो यहाँ पे एक वक्त नहीं है लेकिन मैं बताऊं, यहाँ पे एक ग्रुप ने मुझे एक भेजा कि जी ये जो ख्वाब आते हैं बड़े बड़े बुजुर्गों को जो दावा करते हैं कि मुझे ये ख्वाब आया और नबी ने मुझे ख्वाब में ये कहा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या कभी किसी को ख्वाब में नबी आए और कहा है उन्होंने कि मिलावट ना करो, झूठ ना बोलो, कत्लो गारत ना करो, चोरियां ना करो। जब ख्वाब आता है तो यही वो बताते हैं, उस मुल्क पे हमला कर दो, तुम्हें मैंने इस इलाके का गवर्नर बना दिया है, तुम्हें मैंने खुतब बना दिया है, तुम्हें मैंने ये बना दिया है। नबी कोई इंसानियत का दर्स नहीं देते आपको ख्वाब में? तो मैंने फिर उनको इब्नुल अरबी के उस ख्वाब की तारीख बताई कि उनके इलाके में वहां स्पेन में एक मौलवी साहब थे जो उनके इस पूरे सिलसिले को, उनका जो पीर था उसको बुरा समझते थे कि ये सब जैसे भी हैं कोई ऐसे नहीं है, तो ये उनसे इन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो लिखते हैं कि मुझे हजूर ख्वाब में आए और सख्त नाराज। मैंने कहा जी मुझसे गुस्ताखी क्या हुई है? तो कहने लगे कि तू अपने उस आलम से क्यों नाराज है, क्यों नहीं उससे बात करता, क्यों उसके बारे में बुरी बातें कहता है? मैंने कहा जी इसलिए कि वो मेरे पीर को अच्छा नहीं समझता। तो हजूर कहते हैं कि अच्छा, मुझे तो वो अच्छा समझता है ना, मेरा तो फॉलोअर है, तो तू मेरा दीन फॉलो कर रहा है या अपने पीर का दीन फॉलो कर रहा है? ऐसे ख्वाब हमारे लोगों को क्यों नहीं आते? तो वो कहते हैं इब्नुल अरबी के दूसरे दिन मैं गया जाके उनसे माफी मांगी, ये ठीक है जो नबी को मानने वाला है मेरे को वो मेरे लिए बहुत मोतबिर है और बड़ा मैं उसके लिए अच्छी फीलिंग्स रखता हूं अपने दिल में। तो इसलिए ये बहुत सी ऐसी चीजें हम में आ गई हैं, अहादीस ना सिर्फ वही मैंने कहा है फैब्रिकेटेड हैं, खास तौर पे ये कि जी फलाना इलाका फतह कर लो, वो कुस्तुनतुनिया वाली एक हदीस है, किसी वक्त अगर आपने कहा तो मैं उन पे भी बात करूंगा, पूरा मैंने उसकी छानबीन की है, उस सिरे से ही झूठी है हदीस ही, लेकिन लोग उस पे उसकी बात करते हैं। इसी तरह बहुत सी ऐसी हदीस हैं जो हमने निकाल ली हैं कि ये सुनाओ हदीसें, बगैर ये सोचे समझे कि इनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी। इसी तरह कलाम पाक की आयात को हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, कुरान में तो ये लिखा है, अभी कब लिखा था, क्यों लिखा था, किस मौके पे ये आयत नाजल हुई थी, मुफस्सरीन ने सब कुछ लिखा है, कभी उस पर भी नजर डाल लिया कीजिए। तो डॉक्टर साहब हमारे लिए जो जरूरी बात है वो ये है कि जब हम तारीख में अपने मजहब को डिस्कस करें, अपने दीन के बारे में बात करें या उसकी मुख्तलिफ शाखों के बारे में बात करें, तो हावी तारीख को रखें, बिल्कुल अपने जज्बात को हावी ना करें, वरना डिवीजन ज्यादा बढ़ेगी, सेक्टेरियनिज्म ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बहुत खूब। दो सवाल सर मैं लेता हूँ, एक मीसम अली साहब का और इरम गुल साहबा का, इरम गुल सारी साहबा का, दोनों जरा मिलते जुलते हैं। और सवाल करने के बाद मैं अगली दरख्वास्त करता हूँ। ये मीसम साहब का सवाल है कि इट इज़ वन ऑफ द वाइडली हेल्ड ओपिनियन इन पाकिस्तान दैट मोहम्मद बिन कासिम इनवेडेड सिंध टू एवेंज द हिस्टोरियंस ऑफ मुस्लिम वुमेन। नाउ वी आर हैविंग अ काउंटर नैरेटिव विच होल्ड्स दैट ही केम हियर चेजिंग सम पोलिटिकल अपोनेंट्स स्पेशली सैयद। अच्छा, अगला जो इरम गुल साहबा का सवाल है, सर हिंदुस्तान में तो बेशुमार कमज़ोर और ज़यीफ अहादीस इस्तेमाल होती हैं और उनके ज़रिए किसी न किसी का इस्तेसाल किया जाता है, और फिर अगर कोई ये हकीकत बताना चाहे तो रौंदा दरगाह हो जाता है, इस रवैये को कैसे तब्दील किया जा सकता है? ये मैं दोनों सवाल करने वालों से गुजारिश है कि चूंकि हम अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम को एड्रेस कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पे हम आएंगे उस पे एक्सक्लूसिवली, ये सवालों इन सारे सवालात के जवाब
तलाश किए जाएंगे और उसे एड्रेस किया जाएगा। दोस्तों से गुजारिश है कि काइंडली फोकस्ड क्वेश्चन करें उसी पीरियड पे जिस पे वो है। अगर सर इन पे कोई कमेंट करना चाहें आप। नहीं, मैं बिल्कुल, ये इनका जो है ना इरमगुल साजिद साहबा का सवाल, इस पे मैं करूंगा। आप आज की ये बात कर रहे हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने ये शिकायत की है जो कि दर्ज है कुतुब में, कि मैं तो इनको कुरान का और नबी की हदीस का हवाला देता हूं और ये मुझे किसी मुफ्ती का कौल उसके मुकाबले में सुनाते हैं। इनको जरा ख्याल नहीं आता कि लेटर कहां तक है, कहां तक मैंने पहुंचा है, मैं क्या बता रहा हूं और ये उसका जवाब क्या दे रहे हैं। ये तो फिर भी इन्होंने थोड़ा सा ख्याल रखा है इनका। हदीसें क्या, ये आपको किसी आलिम का कौल सुना देंगे कि जी आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, ये आलिम तो ये कहता है, तो किसकी बात मानोगे आप फिर। तो इसका जवाब तो मेरे पास ये है कि इस पर हम बात करेंगे। बाकी वो जो पहला सवाल था, देखिए तारीख जब लिखी जाती है ना, हमें भी ज़रूरत थी एक बाबुल इस्लाम बनाने की। और ये यकीनन ये बात सही है कि सिंध में सबसे पहले जो था इस्लाम आया है और उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पड़पोते तशरीफ लाए हैं, तो जिनकी दरगाह आज भी कराची में है वो आए हैं, वे सब सही है ये। लेकिन मुहम्मद बिन कासिम का जो है ये सारा कंकॉक्टेड स्टोरी है, हज्जाज बिन यूसुफ का ये दामाद है और इसके बारे में मशहूर था कि इवन शरी सजाएं जहां पे कम होती थी ये दुगनी तिगनी दिया करता था। ये हमने अपनी एक सियासी जरूरत के तहत इस शख्स को वो दर्जा दिया जिसका ये हकीकी मुस्तक नहीं था। हदीसें हैं बाकायदा कि सादात कुछ आ गए थे क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन शुरू हुई थी खास तौर पे इसके सुसर के दौर में, हजाज बिन यूसुफ के दौर में, सईदों की और ना सिर्फ सईदों की अली के चाहने वालों की। आपके हम नाम एक बड़े मशहूर साहबी थे मौला अली के, जिसको इसने कितनी बुरी तरह से शहीद किया था। तो ये लोग जाते थे पनाह लेने के लिए और इनको फिर ये चेस करते थे कि राजा दाहिर का जो हवाल हमें मिलता है उस वक्त की तारीखों में वो ये कि वो बड़ा अच्छा इंसान था। तो चूंकि उसको बताना था कि बुरा था तो एक कहानी बनाई गई। अब वो आवाज उस वक्त वायरलेस थी, उस औरत ने कैसे हजाज बिन यूसुफ को पैगाम भेजा। अगर वो चीख रही थी वहां पानी में कराची के पास कहीं या देबल जो भी उस जगह का नाम था उस वक्त, तो हजाज बिन यूसुफ तक उसकी आवाज कैसे पहुंची। अब ये यहां पे आप यूज करें अपना इल्म और फिर आप देखें कि ये बातें जो है ना ये सारी कंकॉक्टेड होती हैं, इनको हम तारीख का हिस्सा नहीं बना सकते। हाँ, आप जिस बात के लिए कर लें, अपने नेशनलिज्म के लिए कर लें आप, वो अलग बात है। डोंट मेक इट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जी, ये इनका बहुत अच्छा सवाल है। इमोशंस आप जब भी लाएंगे किसी चीज में, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री में इमोशंस लाना सबसे डैमेजिंग होता है, ना सिर्फ नैरेटिव के लिए बल्कि रीडर्स के लिए भी। अगर वो किताब की शक्ल में आ गया है तो जितने लोग किताब पढ़ेंगे उन सब के लिए भी। तो आपने एक ऐसी डिससर्विस कर दी है बाय पुटिंग योर इमोशंस इनटू हिस्ट्री, जिसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, वो आपका एक अपना मसला है। इसको आपने तारीख का लिबादा उड़ाकर लोगों के सामने पेश किया है। हमारे अक्सर मसाइल, जैसे मैंने अर्ज किया, ये मुसलमानों के आपस में फिरका बंदियां, लड़ाइयां, झगड़े, ये अक्सर इसी वजह से होते हैं कि हमने
अपनी अपनी तारीखें अलग अलग करती हैं। कोई मुवर्रख अगर कोई सही बात कहता है तो हम उसको कह देते हैं ओ वो तो ये था वो ये था, यानी उन मुवर्रखीन को जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते थे। इब्ने खल्दून जैसा शख्स भी अम्वी है, प्रो अम्वी है, वो ट्रेस भी करता है, बताता भी है, लेकिन बातें सारी वो लिख के आया है। तो इसलिए तारीख जो है ना, इसको ना आप इसके साथ ना खेलें। मैंने अर्ज किया ना, हमारे पास सबसे बड़ी मशले राह जो है इस सिलसिले में वो कलाम पाक है। कलाम पाक ने किसी के साथ किया है रौ रियायत बरसी? लम्हे कहता मेरे अपने नबी हुए हैं ये, इन्होंने मेरे लिए सारी मुसीबतें सही हैं, तो इनकी कम से कम सरजनिश तो मैं ना बता, अब तो वो रहे भी नहीं, वो सब मेरे पास आ गए हैं, तो मैं इस नई उम्मत को उनके किस्से क्यों सुना रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि ये तारीख है, ये हुआ है, आइंदा भी होगा ऐसे। उस वक्त आपको कहां खड़े होना है, उस मीजान के सामने, ना इस पलड़े में ना उस पलड़े में, दरमियान में, फिर देखना है कि किसका वजन कितना है। बहुत जरूरी है ये। आपकी आवाज नहीं आ रही साज साहब। जी सर बहुत नवाजिश। इस बहुत सारे सर कमेंट्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिबेट साइड बॉर्डर पे चल रही है, आपको नजर आ रही होगी। और एक तो कमेंट ये आया है कि जी एक सेशन सिर्फ इंटरेक्टिव रखा जाए क्वेश्चन आंसर का, ठीक है, इसे भी हम देख लेते हैं। और ज्यादा दोस्तों का कंसर्न ये है कि जी अगले लेक्चर का टॉपिक जरा पहले बताया करें। हाँ, एक तो मैंने बताया कि जी के वो है इस्लामिक हिस्ट्री पे, ये चूंकि हम इसमें कुरूने उला पे था तो अगला कुरूने वस्ता का दौर हम डिस्कस करेंगे। उसमें बिलखसूस जो लोग तारीख इस्लामी तारीख से जरा ज्यादा शगल रखते होंगे उन्हें मजा आ जाएगा ये सुन के कि अशराइट्स की और मुतजलाइट्स की जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हैं वो। और मैं तो सर जैसे ज़ाहिर तौर पे समझता हूँ कि इस्लाम के डिफरेंट शेड्स जो हैं वो इस बात की भी तो निशानदेही करते हैं कि दिस बेसिकली इज प्रोडक्ट और प्रोडक्शन ऑफ अ फर्टाइल कम्युनिटी। कि जितनी ज़्यादा डिबेट है ठीक है, उसके डिफरेंट नैरेटिव्स हो सकते हैं, हर बंदे ने अपनी तरफ से पॉसिबल उसका आंसर या सोल्यूशन दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने मल्टीपल नैरेटिव्स हैं उससे हमें खाइफ होने की जरूरत नहीं है। हमें उन सबको देखना चाहिए, परखना चाहिए और सबकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए। सर आप इसे कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। जी डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है। देखिए हमारा मसला क्या है कि हम तारीख सियासी, हम तारीख से समझते क्या है सियासी तारीख। जिस फिक्री की तारीख की तरफ आपने इशारा किया है वो तो अगर आपकी सियासत खराब भी रही थी, फिक्री तारीख आपकी उस वक्त भी अरूज पे थी। जो रोशनी हजूर ने दिखा दी थी इस उम्मत के बरगजीदा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को दिमाग खोल दिए थे, उन्होंने अपना गौर खौस जारी रखा। सियासत उनके आड़े नहीं आई जो कुछ वो बताना चाहते थे। और ये पीरियड जो है जिसको हम अम्बी दौर कहते हैं और बाद में अब्बासी पीरियड जो है, अगरचे इसको अगर दीन की तराजू पे आप रखें तो इतना अच्छा नहीं है ये, लेकिन जब आप इंसानी फिक्र की, फिका की, फलसफे की, अदब की तराजू पे रखेंगे तो आपको हैरत होगी कि दुनिया में जो जो इनकलाब इनके ख्यालात की वजह से आए वो सारे इसी दौरान में लोगों ने लिखा उन पे और बात की। तो इसलिए
तारीख के बारे में ये आई एम ग्लैड यू पॉइंटेड दिस आउट कि अगर हम सिर्फ तारीखी वाकयात को सियासत की नजर से देखेंगे या सियासी निजाम को तारीख में लाएंगे तो बड़ा नाइंसाफी होगी आपकी उन लोगों के साथ जो करूने औला के मुसलमान थे या बाद के मुसलमान थे ना। आप देखें अगर सियासत बुरी थी दूसरे काम कौन कौन से हो रहे थे जिन पे हम फख्र कर सकते हैं, वो है असल तारीख। अगर आप आईना दिखाना चाहते हैं तो पूरा दिखाइए। उस दौर में भी कितने लोगों ने जुरत से काम लेके कहा कि नहीं ये गलत है जो आप कर रहे हैं और हम ये काम करते जाएंगे। उनकी गर्दनें उड़ा दी गई जो कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन उन्होंने काम रखा। उन लोगों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें एक बैलेंस रखिए तारीख में, साथ साथ बताइए कि सियासत, यकीनन सियासत तो हमारी पता नहीं कब ठीक होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो हम दूसरे लोग काम कर रहे हैं सोच रहे हैं उसको हम तारीख का हिस्सा ना बनाएं। नहीं, वो हैं हिस्सा और रहेंगे। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री होती है, तारीख होती है जो कुछ इंसान लिखता है, पढ़ता है, प्रीच करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, ईजाद करता है। ये तमाम चीजें, सियासत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जी सर, बहुत आला सर, हम एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं सर, दोस्त भी सारे उसमें शरीक हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि वक्त की कमी के बायस आज का इस लेक्चर का सर हम आपके बेहद ममनून हैं। और अब इस कमिटमेंट के साथ कि अगला सेशन जो है वो आपके सवालों से शुरू किया जाएगा जो आप लोगों ने उठाए हुए हैं, और ये जहन में रखिएगा कि अगला हम मिडिवल मुस्लिम हिस्ट्री पे अगला सेशन करेंगे। एक सजेशन दोस्तों की ये थी कि जी आप अपने इनविटेशन में ही टाइटल मेंशन किया करें, वो भी हम कोशिश करते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम उसे मेंशन किया करेंगे। और बहुत सारी दुआओं के साथ जो भी सच के मुतलाशी हैं, हमारी दुआ है कि वो इल्म की खोज में रहें, और असल यही खोज है जो इस्लाम का असल मकसद है कि आप एज ए तालबे इल्म, इल्म की तलब में बढ़ते जाएं और इल्म को खोजते जाएं और सच को पाने की कोशिश करें। बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, और मैं फिर बता दूं कि मिडिवल मुस्लिम हिस्ट्री पे हम बात करेंगे और हिस्टोरियोग्राफी पे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।